संडे है ना, थोड़ा भीड़ है, थोड़ा दे दे भाई, दे 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 साथी से। अरे तेरे छोड़ छोड़ ना, माल रेडी है तेरे को ले। हाँ, एक घंटा लगा चीज। हेलो चल्लिस बोलते बाबा बोलते बुझे बोल बुझे बोल बुझे बोल माल रेडी हो गया माल रेडी हो गया बुझे बोल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से फ्रेश न्यू हिंदी ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह रविवार का दिन है और अभी हम लोग आ गए हैं कोलकाता के जतिन दास पार्क में। और जतिन दास पार्क जो मेट्रो स्टेशन है उसका ठीक बाहर ये जो देख पा रहे हैं खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स, इस खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर ये है नटराज पराठा शॉप, जहाँ पर हर संडे लगता है पराठा और घुगनी का मेला। जी हाँ, देख पा रहे हैं किस तरह से खचाखच लोग भरे हुए हैं भीड़ करके अपना अपना पराठा और अपना अपना जो घुगनी है उसका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने कोलकाता में थंगानी जी के बारे में बहुत सुना होगा कि थंगानी जी का यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगता है स्पेशली संडे के दिन, बट ये थंगानी जी से किसी तरह से कम नहीं है। यहाँ पर भीड़ आप देख पा रहे हैं पूरे चारों तरफ से लोग घेर के बैठे हैं। तो सुना है कि यहाँ का ये जो पराठा है और स्पेशल जो घुगनी, साथ में यहाँ पर स्पेशल अंडा का करी, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो हर दिन यहाँ पर लगभग 500 से 700 लोग घुगनी और पराठा खाने के लिए आते हैं। तो इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा क्रेज है इस दुकान का। तो हम लोग को भी मौका मिल गया, चलिए हम लोग भी खाते हैं और देखते हैं आखिर यहाँ का घुगनी पराठा और यहाँ का जो अंडा करी है स्पेशल उसका स्वाद कैसा है। उससे पहले जाएंगे यहाँ का जो ओनर है उनसे बात करेंगे और उनके यहाँ पर और क्या क्या मिलता है ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जाते हैं और बात करने के बाद टेस्ट करके भी आप लोगों को बताते हैं कि आखिर यहाँ का घुगनी पराठा और अंडा करी का स्वाद कैसा है। आइए भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया, आपका नाम? राजू। और आप लोग इस दुकान का नाम? नटराज। भैया आलू दम है, पराठा है, घुगनी है, 420 रुपया आलू दम घुगनी देके, अंडा करी है, अंडा करी अलग से 10 रुपया। सुबह 4 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। 700-800 लोग आदमी खा लेते हैं। अच्छा, तो स्पेशल आपका क्या है यहाँ? हर चीज स्पेशल है यहाँ का, पराठा स्पेशल है। पराठा यहाँ का सबसे ज्यादा स्पेशल है ना? अच्छा, तो पराठा पूरा इस तरह से एकदम तेल में छान के बनाते हैं। हाँ भैया। तो पराठा का प्राइस क्या है? 4 पीस 20 रुपया। 4 पीस 20। सब्जी का साथ? सब्जी के साथ। अच्छा, सब्जी में क्या देते हैं? आलू दम है, घुगनी है, दोनों देते हैं। आलू में चाहिए उतना? अच्छा, दोनों में से कोई एक देते हैं या फिर दोनों देते हैं? दोनों देते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 साल पुराना है ये दुकान और यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार किस तरह से सेल है, लोग चारों तरफ से यहाँ पर भीड़ करके रखे हैं। और यहाँ पर देखिए 4-5 जो भैया है यहाँ पर लगातार कोई छाने जा रहे हैं, कोई बेले जा रहे हैं और कोई मैदा को खाने जा रहे हैं। तो ह्यूज डिमांड है इनका ये पराठा, इनका घुगनी, इनका आलू दम और इनका ये अंडा करी का। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं नटराज पराठा शॉप में
और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं भीड़ किस तरह से है, चारों तरफ से लोग पूरा घेर के रखे हैं और चार जन पांच जन मिलकर यहाँ पर लगातार पराठा यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा क्रेज है, मतलब इसके पहले आप लोगों ने कोलकाता में छंगानी जी का नाम सुना होगा कि वहां इतना भीड़ लगता है, बट आप यहाँ पर भी देखिए उससे कहीं कम नहीं है। मतलब चारों तरफ से लोग पूरा घेरे हुए हैं और अपना अपना पराठा का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी अपना पराठा मिल चुका है, टेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं दिखाता हूँ साथ में हम लोगों ने क्या लिया है। ये है घुगनी और ये है यहाँ का फेमस अंडा करी। तो इसका प्राइस है 10 रुपये अंडा का अलग से, और अगर ये पराठा मैंने दो लिया, दो पराठा का प्राइस मेरा 10 रुपये पड़ रहा है, यानी कि 5 रुपये करके यहाँ पर पीस है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये मैंने ले लिया और यहाँ पर इस घुगनी के साथ ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। सुबह सुबह जबरदस्त भूख लगा था और सुबह सुबह इस तरह का अगर पराठा और इस तरह का अगर घुगनी मिल जाए तो मतलब दिन बन जाता है, जबरदस्त लगा। ये देखिए अंदर किसी तरह कोई स्टफिंग वगैरह नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। सिंपल पराठा है जो कि एकदम डीप फ्राई करके तैयार किया जा रहा है। तो और थोड़ा सा लेते हैं और जबरदस्त मजा आ गया। स्पेशली सुना है यहाँ पर संडे का दिन में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा खचाखच एकदम भरा हुआ है। ये लोग जल्दी से दे नहीं पा रहे, इतना ज्यादा इन लोगों का ऑर्डर आ रहा है, लगातार 20-30 प्लेट का ऑर्डर आ रहा है, लोग पार्सल करके लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब देखते हैं ये अंडा करी कैसा लगता है। तो ये रहा अंडा और ये ग्रेवी के साथ। बिल्कुल भी ज्यादा तीखा नहीं है। सुबह सुबह अगर खाइएगा तो ज्यादा अगर तीखा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन ज्यादा तीखा नहीं है। ग्रेवी देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा तीखा हो सकता है, बट तीखा थोड़ा भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो और थोड़ा सा लेते हैं। जबरदस्त मजा आ गया। जबरदस्त। तो फ्रेंड्स संडे स्पेशल मुझे ये पराठा घुगनी और अंडा तो जबरदस्त लगा। बताते आप भी अगर इसका मजा लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से चले आइए जतिन दास पार्क में और यहाँ आके सुबह सुबह का इस अंडा पराठा का मजा लीजिए। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया धमाल लेगा, तब तक के लिए गुड बाय।